नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। आज 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। ताजा जानकारी के मुताबिक बिहार के कुशेश्वर स्थान से जेडीयू और तारापुर से आरजेडी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। बात मध्य प्रदेश की करें तो वहां सभी 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी आगे है। बंगाल में भी ममता बनर्जी की धमक दिखी है, सभी 4 सीटों पर टीएमसी उम्मीदवार आगे हैं। वहीं हिमाचल की मंडी लोकसभा पर बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर इस वक्त चल रही है। फिलहाल कांग्रेस उम्मीदवार ने बढ़त बनाई है। दादर नगर हवेली से शिवसेना के उम्मीदवार भारी मतों से आगे चल रही हैं। उधर हरियाणा के इलाहाबाद से भी अभय चौटाला अपने विरोधी से 4,500 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। तो जहां एक तरफ देखिए एमपी में बीजेपी वहीं आगे चल रही है, वहीं बंगाल में टीएमसी आगे चल रही है। उसके बाद जश्न की तस्वीरें भी अब अलग अलग जगहों से सामने आने लग गई हैं। समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं और जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो जो सीटें हैं उसमें टीएमसी आगे चल रहे हैं। खड़दा से सूर्याग्नि रॉय हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सूर्याग्नि, कुल मिलाकर हम देख रहे हैं, देखिए अभी तो रुझान ही आ रहे हैं, लेकिन ये रुझान दिखा रहे हैं कि टीएमसी आगे चल रही है बंगाल में, और उसके बाद जश्न की तस्वीरें आनी शुरू हो गई। देखिए बिल्कुल जैसे आपने कहा कि 4 सीट पे तृणमूल कांग्रेस ने सुबह से ही मैसिव लीड उन्होंने बनाकर रखा था। और अगर हम स्पेसिफिकली दिनहाटा की सीट के बारे में बात करें, जिसको 6 महीने पहले वहां से निशित प्रमाणिक, जिनको बाद में एमओएस होम बनाया गया था, उन्होंने जीता था वो सीट तृणमूल का। अभी जो फिलहाल जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं, 19 के 19 राउंड वहां पे कंप्लीट हो चुके हैं काउंटिंग के, और उसके बाद तृणमूल के कैंडिडेट उदयन गुहा को 1,60,000 के ऊपर से एक लीड मिल चुका है। तो हम कह सकते हैं कि वो सीट जो है वो तृणमूल के खाते में ऑफिशियली रजिस्टर हो चुका है। और बाकी 3 जो सीट है, इंक्लूडिंग खड़दा का सीट जहां पे हम लोग अभी फिलहाल है, उसमें आधे से ज्यादा गणना हो चुकी है, और अभी तक जो ट्रेंड्स हैं वो तृणमूल के फेवर में ही है। तो 4 के 4 सीट हम कह सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस जो है वो जीतने के लिए कंप्लीटली तैयार है। और उनकी परफॉर्मेंस टोटल अगर हम करके देखें तो 77% के आसपास उनको वोट प्रतिशत जो है इस बाय इलेक्शन में मिला है। बिल्कुल। और दरभंगा का भी रुख कर लेते हैं। रोहित हमारे साथ, हमारे सहयोगी वहां से जुड़ चुके हैं। रोहित, वहां पर तो कांटे की टक्कर दिख रही थी, फिलहाल क्या चल रहा है, कौन आगे? अर्पिता, अगर कुशेश्वर स्थान की बात करें तो यहाँ पर जेडीयू जो है अपनी बढ़त लगातार बना के रखे हुए है। 15 राउंड की जो है वो गिनती पूरी हो चुकी है, और 15 राउंड के काउंटिंग के बाद जो है जेडीयू उम्मीदवार जो है तकरीबन 7100 वोट से जो है वो आगे हैं, और अपनी लीड उन्होंने बनाकर रखी हुई है। तो यहाँ पर जो है जेडीयू के लिए एक अच्छी खबर यहाँ आ सकती है, क्योंकि ये सीट पहले भी जेडीयू के पास थी, और अभी जो जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं उसमें भी जेडीयू लीड कर रही है। लेकिन जेडीयू के लिए एक मुश्किल भरी खबर तारापुर हो सकता है, क्योंकि तारापुर में जो है लगातार सुबह से ही अभी 8 राउंड की काउंटिंग हुई है, और वहां तकरीबन 3,500 वोट से आरजेडी आगे चल रही है। तो वहां से जो है जेडीयू के लिए एक हो सकता है कांटे की टक्कर वहां पर अभी देखने को मिल रही है, क्योंकि तारापुर में तकरीबन 24 राउंड की काउंटिंग होनी अभी है, फिलहाल अभी सिर्फ 8 ही राउंड की काउंटिंग वहां पे पूरी की जा चुकी है। लेकिन बिल्कुल, तो देखिए अभी ये कई चरणों में जो मतदान गणना हो रही है वो शुरू है, जैसे ही नतीजे आएंगे वो तस्वीरें भी आपके सामने रखी